morning, students. I want to say something to you. At first, I have got the diary. Okay, and your all dates are mentioned here. Your all exams dates are mentioned here. So your half yearly exam will be held in September. So start preparing from now. Okay, na? अभी से ही start कर लीजिए. Okay. Now next thing, your unit 4. I am going to start your unit 4. Chapter name is Natural Miracles. Okay. So. Okay. Natural Miracles. In this chapter, we will learn from many things. Okay. So. Here is some important things. First thing is your air. What is air? So as we know, air is very essential for us. Air is everywhere, okay, and we cannot see it, okay, na? Only we can feel it, okay. So now I start your page number 78. So take out page number 78 and listen carefully. What I am asking. Yeah. Okay. Understanding atmosphere. The earth is surrounded by the layer of air called the atmosphere. ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो एयर चारों तरफ से घिरा हुआ है, जिसे क्या कहा जाता है? एटमोसफेयर. इमेजिन द अर्थ लाइक्स एन ऑरेंज. द एटमोसफेयर इज अ पील रैप्ड अराउंड द ऑरेंज. क्या है? जस्ट लाइक ऑरेंज की तरह हमारा अर्थ भी है, जिसमें क्या है, एयर जो है वो जस्ट लाइक अ एटमोसफेयर. क्या है? जस्ट लाइक अ पील है जो कि अर्थ को रैप्ड किए हुए है. ठीक है, द एटमोसफेयर प्रोटेक्ट अस. ये एटमोसफेयर जो है वो हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं. वी थिंक दैट द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज द नेचुरल होम ऑफ मैन. हम लोग समझते हैं कि सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नेचुरल होम है. अर्थ जो है वो हमारा नेचुरल होम है मैन का. बट इट इज एक्चुअली द एटमोसफेयर सराउंडेड इट विथ मेक्स इट होम लाइवेबल. मीन्स ये जो है होम है, बट क्या है इसमें जिसके कारण ये हम लोगों को होम की तरह फील कराता है? इसका एटमोसफेयर. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटमोसफेयर. ओके ना, द अर्थ इज सराउंडेड, ब्लैंकेट्स ऑफ द अर्थ, ब्लैंकेट्स ऑफ द एयर इज कॉल्ड एटमोसफेयर. समझ गए आप लोग? दूसरी बात, एटमोसफेयर हैज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, ये भी आप समझ जाओ. ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट स्टार्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर. द एटमोसफियर इज डिवाइडेड इंटू फाइव मेन लेयर. ओके, फाइव मेन लेयर. फर्स्ट ट्रोफोस्फियर. दिस इज द लेयर वेयर वी लिव. हम लोग जहां रहते हैं इस लेयर को क्या कहा जाता है? ट्रोफोस्फियर. इट कैन मोस्ट ऑफ द एयर इन द एटमोसफियर. ओके ना, सो इट इज द लेयर ऑफ द एटमोसफियर क्लोजेस्ट टू द अर्थ सर्फेस. हम लोग सबसे नियरेस्ट कौन सा है? ट्रोफोस्फियर हमारे अर्थ से सबसे नियरेस्ट है. ओके, इट कंटेन वाटर गैसेज. ओके, मोस्टली ऑक्सीजन नाइट्रोजन. ओके, एंड द क्लाउड आर फॉर्म्ड इन दिस लेयर. ये लेयर जो है वहां पर हमेशा क्या होता है? क्लाउड फॉर्म करते रहते हैं. एंड विंड कैरी द क्लाउड्स ओवर द अर्थ सरफेस. विंड जो है वो कैरी होते रहते हैं. द वेदर कंडीशन हैपन इन दिस लेयर. वेदर कंडीशन यहाँ पर हमेशा चेंज होते रहते हैं. ठीक है ना, जितने भी वेदर है, सो इन दिस लेयर चेंज वेरी क्विकली. ओके, एज वी मूव हायर इन द लेयर द टेम्परेचर ड्रॉप्स एंड एयर बिकम्स थिनर. दैट इज व्हाई पीपल हु क्लाइम माउंटेन्स कैरी ऑक्सीजन क्लाइंबर सिलेंडर विथ देम. जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, एयर क्या हो जाता है? थिनर होते जाता है, जिसके कारण जो भी माउंटेन्स में क्लाइंब करने जाते हैं पीपल, वो क्या ले जाते हैं? ऑक्सीजन के सिलेंडर को. नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेटो स्फीयर. इट लाइज अबव द ट्रोफोस्फीयर. ओके ना, ये लेयर जो है वो ट्रोफोस्फीयर के जस्ट ऊपर में होते हैं. इट इज अबाउट 30 किलोमीटर थिक. ओके, आप ये जान रहे हो कि ये जो है वो कितने थिक होते हैं? 30 किलोमीटर. इट इज अ क्लियर क्लाउडलेस लेयर. ओके ना, द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर हैज अ ओजोन लेयर एंड ओजोन लेयर इज लाइक अ यू सील्ड. ओके, आप लोग इसके बारे में आगे पढ़ोगे टॉपिक में.